हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव, आप सब प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर आप सब प्यारे विद्यार्थियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। थोड़ा मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा और मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसा हमारा देश आज़ाद हुआ आज के दिन, तो मैं छोटे शब्दों में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपने पुराने दिनों को भूल के करके अपने आप को स्वतंत्र करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करें और आपके अंदर जो कमियाँ हैं उस कमियों को स्वतंत्र करने का प्रयास करिए। आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक नए राही की ओर, नए मार्ग की ओर जाना है, जिससे आप सब अगर अपने आप के कमी को दूर करके नए दिशा की ओर ले जाएंगे, अपनी दिशा की ओर ले जाएंगे, तो आप सब भी पूर्ण रूप से सफल होंगे। तो आइए आज के दिन हम आप मिलके एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के दिन से ही मैं अपने आप को स्वतंत्र मान करके, जो पुरानी कमियां हैं उनको स्वतंत्र करके नए जीवन की ओर चलेंगे और अपनी सफलता की ओर पहुंचने का मार्गदर्शन ढूंढेंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा जो है नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब देखिएगा, पहले वीडियो के अंतर्गत हमने पहले पार्ट में हमने क्या बताया था, तो हमने उसमें बताया था आपको जैसे क्यूब, क्या बताया था भैया, क्यूब अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। तो हमने उस वीडियो में 4 भागों में बांटा था। पहला भाग हमारा था, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या का पहला अंक 1 हो और दूसरा कुछ भी हो तो उसका घन कैसे निकालेंगे। दूसरा हमारा था कि मान लीजिए ए है और दूसरा अंक हमारा 1 है तो इसका घन कैसे निकालेंगे। तो तीसरे में हमने बांटा था क्या कि मान लीजिए 2 अंक समान है तब उसका घन कैसे निकालेंगे। चौथा में हमने बांटा था कि समथिंग कोई भी दो अंकों की संख्या हो तो उसका घन हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेंगे ए बी का घन। तो हमने 2 टाइप का तो उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, तब दूसरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो अब देखेंगे हम तीसरे टाइप का इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तीसरे टाइप में देखिएगा, पहले टाइप में हमने फार्मूला का कौन सा प्रयोग किया था कि हमने क्या लिया था, 1 लिया था, ए लिया था, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, फिर इसका हम क्या कर देते थे, दोगुना कर देते थे, अर्थात ये 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो हमने इसमें आपको बताया था कि इसी का जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये है तो इसका भी उल्टा कर देंगे, तो अर्थात हम यहाँ क्या लिख लेंगे ए क्यूब, फिर हम क्या लिख लेंगे ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर, फिर ए, फिर 1, अब इसका हम क्या कर देंगे, दोगुना 2a स्क्वायर, फिर 2a, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 2 टाइप का तो हमने आपको बता दिया। तो अब देखिएगा तीसरे टाइप में कौन से फार्मूला का प्रयोग करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, हमने एक फार्मूला बना रखा है, आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का कराने का उद्देश्य हमारा ये है कि आपसे नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि जैसे अगर आपसे कह दिया गया क्या ए बी सी डी 17 बराबर यन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यन, तो यन की वैल्यू बताइए। अब आपको यहाँ 17 दे दिया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो अब यन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक ना भैया। तो इस तरह के सवाल दे देता है और कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट 3 डिजिट, अर्थात लास्ट का 3 अंक बताइए, लास्ट का 2 अंक बताइए, कोई संख्या दे के आपसे पूछ लेगा, तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब देखिएगा इसके लिए हम कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दिया हो, जो अंक दिया हो, सर्वप्रथम उसका हम घन कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों का हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, फिर हम इसका क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, क्या कर देंगे,
दुगना कर देंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे तो जो निकलेगा वही इस संख्या का क्या होगा, घन। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम एक संख्या के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए हमने कोई संख्या क्या ले लिया, मान लीजिए हम ले लिए क्या 22, क्या ले लिए 22। 22 का घन आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा कुछ भी नहीं करना है। अब ए के स्थान पे क्या है, दो है, ए के स्थान पे क्या है, दो है, तो अब देखिएगा क्या होगा, दो का घन अर्थात ए बराबर दो है तो दो का क्यूब क्या होगा, दो का क्यूब 8 होगा। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम 1 से लेकर 9 तक घन तो आपको याद ही होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो अब दो का घन क्या होगा, 8 8 8 8। अब इसका आप क्या कर देंगे, दुगना कर दीजिए, 2 8 16 2 8 16 2 8 16। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, देखिए ऐड कैसे करते हैं, 8 8 6 14। अब यहाँ हासिल 1 बचा, अब ये 1 है प्लस 1 बराबर कितना हुआ, 2 हुआ, जो 2 आएगा इसको हम यहाँ लिख देंगे, 8 2 10 6 16, फिर 1 1 2, फिर 2 यहाँ, फिर 8 2 10, तो अर्थात हमारा 10 6 10 648 किसका घन हुआ, 22 का घन हुआ। तो ठीक इसी तरह आप देखिएगा, हम आपको और समझाते हैं कि जैसे आपको कह दिया जाए क्या, कि जैसे फिर से कह दिया जाए कि 33 का घन बताइए, तो 33 का घन कैसे निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या करेंगे, 3 का 27 27 27 27 अर्थात 3 का हमने क्या निकाल लिया, क्यूब निकाल लिया। तो अब इसका आप दुगना कर दीजिए, दुगना 2 7 14, 2 2 4 54, 27 2 54। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, अब यहाँ 7 लिखना है, एक ही अंक लिखना है, अब ये जो 2 बचा कैरी के रूप में लिखिए, 7 2 9 और 9 4 13। अब 1 बचा यहाँ, 2 1 3 5 8, तो 8 आप यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे 7 4 11 11 8 19। अब यहाँ 1 बचा, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 1 3 3 5 8, 8 यहाँ लिख देंगे, 8 7 15, 2 1 3, यही आपका क्या होगा, 33 का घन होगा। अब आपको देखिएगा एक संख्या हम जैसे और हम निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125 125, फिर क्या होगा, 125, फिर आप लिखेंगे क्या, 125। अब इसका आप दुगना कर दीजिए, 5 2 10, 2 5 10, 2 2 4 5, तो क्या होगा, 2 1 2 होगा कि नहीं, 250, इसका भी दुगना कितना होगा, 250। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो अब देखिएगा ऐड कैसे करते हैं, ऐड एक ही अंक लिखेंगे हम, क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ जो 12 बचा, 12 आप कैरी के रूप में ऊपर लिख लेंगे, तो अब क्या होगा, 5 2 7 हुआ। अब यहाँ देखिए 2 1 3 2 1 3 3 5 1 8 और 2 1 3, यहाँ 38 बचा, 38 को कैरी के रूप में कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, तो क्या होगा, 8 5 13 13 8 5 13 हुआ, 8 5 13। अब फिर अब यहाँ लेंगे 3 है, 2 1 3 1 4 5, 4 3 2 5 3 2 5 6 5 11 11 हुआ, 2 1 3 1 4 अर्थात 41 कैरी हुआ, 41 कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, 5 1 6 4 2 6 16 63 75, किसका घन होगा, 55 का घन होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका रहा क्या कि जब दो अंक समान हो तब उसका कैसे घन निकालेंगे, आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, हम आपको जब 3 अंक समान होंगे तब उसके घन कैसे निकलेंगे, 4 अंक समान होंगे तब उसके घन कैसे कैसे निकलेंगे, हम आपको चीजें धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो पढ़ाने का भी एक क्राइटेरिया होता है समझाने का, कि चीज़ों को कैसे समझाया जाए कि आपके माइंड में हमेशा के लिए बस जाए। तो आप थोड़ा भी ना घबराइएगा कि आपके लिए ये फालतू की चीज़ें हैं, ये फालतू की चीज़ें नहीं हैं। देखिएगा कैसे इसका यूज कहाँ है, कि जैसे एक SSC में CHSL में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, वो क्वेश्चन में जैसे कह दिया था कि
कि इफ एक्स वाई क्यू बराबर ए बी सी डी 17, तो आपसे पूछा था बराबर 17, तो पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो अब देखिएगा, अब यहाँ आप देखिएगा एक्स वाई का घन बराबर ए बी सी डी 17, तो आपसे पूछा था एक्स वाई का वैल्यू बताइए। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, यहाँ पे हमको कुछ दिया है नहीं दिया है, तो आप इसका जो है एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो आप मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा, जैसे जैसे आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए हर एक विद्यार्थी पढ़ता है, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो भी थोड़ा क्रिटिकल कर देता है, चीजों को थोड़ा क्या कर देता है, सरल तो होता है लेकिन वो क्या करता है, पूछने का लैंग्वेज बदल देता है। तो यहीं पे जिनकी पकड़ नहीं बन पाती है वो विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन क्या होता है उन चीजों को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपको वही चीजें देंगे जो चीज फैक्चुअल है। अब देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन का आ जाएगा तो आप कैसे लगाएंगे, इन चीजों पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इनका जो है कि आप कैसे निकालेंगे। तो अब देखिएगा, हम आपको और समझाते हैं। ऐसे ही घन जैसे आपको दे दिया जाए क्या, फिर से आप एक समझिएगा, जैसे कह दिया जाए कि 66 का घन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। आपको घन तो सबको ही याद है क्या होता है, 216। अब इसको आप 216, तो आप इसको आप दुगना कर दीजिए, 2 × 12, 2 × 1 = 3, 2 × 2 = 432, इसका भी दुगना कर देंगे क्या होगा 432। अब आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो अब यहाँ क्या हुआ, अच्छा अब जो 21 बचा आप इसको कहाँ लिख लेंगे, कैरी के रूप में इधर लिखेंगे, 6 × 7 = 8, तो अब क्या है 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 4 × 2 = 6। अब जो ये 66 बचा आप ये कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 6 × 6 = 12, 2 = 14। अब यहाँ फिर 1 बचा ही करेंगे, 6 × 7 = 8, 8 × 3 = 11 की 1 हासिल एक हुआ, यहाँ लेंगे 2 × 1 = 3, 3 × 4 = 7, अर्थात अब यहाँ हमारा क्या हुआ 71 हुआ, 71 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब देखिएगा 6 × 7 = 7 × 8 = 2 × 3, 38 × 74 = 86, जो हुआ आपका ये क्या हुआ 66 का घन होगा। तो आपके लिए चीजें तभी आसान होंगी जितना आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जितना भी है उस पे प्रैक्टिस करिएगा इस तरह से कि इसका आखिरी का 2 अंक क्या होगा। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले 66 के घन में आखिरी का 2 अंक बताइए, तो आप करेंगे क्या, आपको इतना नहीं करना है, ये छोड़ देना है, क्या कर देना है, छोड़ देना है, आपको केवल इतना करना है, तुरंत करिए, आपका आखिरी का 2 अंक 86 निकल गया। लेकिन इन चीजों को क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो अब आइए हम टाइप चौथे में पहुंचते हैं। टाइप चौथा, जैसे आपसे पूछ लिया क्या कि 92 का घन बताइए, 34 का घन बताइए, 81 का घन बताइए, या कह दिया 83 का घन बताइए, तो इनका घन कैसे निकालते हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं। देखिएगा टाइप चार के अंतर्गत हम किसका घन निकालना सीखेंगे। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दिया, दो संख्याओं का अलग का, जैसे दे दिया ए बी का घन आप कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला है क्या कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का घन करेंगे, क्या करेंगे ए का घन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका वर्ग करेंगे, किसका, पहले वाले का वर्ग करेंगे, पहले वाले का वर्ग, फिर दूसरे वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर कर देंगे, अब फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, बी का घन कर देंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे, 2a² b, और फिर यहाँ क्या कर देंगे 2ab² इतना। देखिएगा एकदम सरल है,
जब आप इन चीजों पे प्रैक्टिस कर लेंगे, देखने में आपको कठिन लगता होगा लेकिन ये एकदम सरल है। आप दो तीन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपके, ये फार्मूला है, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक संख्या लेके समझाते हैं। जैसे यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया क्या 34 का घन बताइए, 34 का घन बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे इसका? तो आप यहाँ देखिएगा, ए कितना है, ए 3 है, और बी कितना है, 4 है, अर्थात ये ए है और ये क्या है, बी है। आप तो इसको समझ ही गए होंगे, ए के स्थान पे क्या रखना है 3, बी के स्थान क्या रखना है 4। तो देखिएगा कैसे रखते हैं, ए का क्यूब, ए बराबर 3, अर्थात 3 का क्यूब क्या होगा, 27, क्या होगा, 27। फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे दिया क्या है 34, क्या दिया है 34, तो ए बराबर जब 3 दिया है तो ए स्क्वायर को 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा। अब फिर बी बराबर 4 है तो इसको गुणा करेंगे 94, 36, यहाँ क्या होगा 36। समझ में आया कि नहीं आया भैया, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। अब फिर यहाँ दिया है ए बी स्क्वायर, ए बराबर 3 दिया है, अब बी का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग करेंगे क्या होगा 16, 16 तिया 48, क्या होगा 16 तिया 48। अब बी का घन क्या होगा, अर्थात बी बराबर 4, तो 4 चौक 16 चौको 64, क्या हुआ 64। अब आप इनको क्या करेंगे, दोगुना कर दीजिए, 2 8 16, 2 4 8, 9, अब फिर यहाँ करेंगे 36 2 72। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, अब यहाँ लिए 4, 6 बचा ऊपर गया, 6 6 12 12 8 20, अब 2 बचा, 2 यहाँ कर देंगे, 4 2 6 9 6 15, अब 15 कहाँ लिख देंगे भैया, 9 6 15 15 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो अब यहाँ जोड़ेंगे 6 5 11 11 2 13, फिर 1 हुआ, अब यहाँ 1 1 2 2 2 5 7 5 12 7 5 12, अब यहाँ कर देंगे 7 2 9 2 1 3। अब ये जो हमारा निकला वो किसका है, 34 का घन है। अगर आपको नहीं लगता है तो आप गुणा भी कर लीजिएगा, जैसे 34 गुणे 34 गुणे 34, इसका गुणा कर लेंगे तो आपका जो है यही होगा। तो अब देखिएगा, अब इसका आप गुणा कर दिए तो अर्थात अब क्या हुआ, 34 का घन बराबर कितना निकला, 39,304, यही आपका क्या हुआ, 34 का घन हुआ। अब देखें 92 का घन, किसका घन किया, 92 का घन कैसे निकालेंगे, संख्या क्या है 92, तो 92 का घन कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे देखिएगा a बराबर क्या है 9 है, b बराबर क्या है 2 है, तो सर्वप्रथम हम क्या कर देंगे कि a का क्यूब अर्थात 9 का क्यूब क्या होगा, 9 9 81 9 7 29 7 29, और फिर यहाँ पे 2 का घन क्या होगा 8 होगा, ये चीज तो आपके लिए आसान है। फिर उसके बाद कहा है कि ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है 9 है, 9 गुणे बी बराबर क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, 4 9 36, तो यहाँ क्या हुआ 36 हुआ। अब यहाँ पे फिर देखिएगा किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर बी का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या है 9 है, तो 9 का वर्ग क्या होगा 9 9 81 गुणे बी बराबर 2, तो 2 1 2 2 8 16 162। देखिए जब आप चीजों पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इतना यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेशन करके यहाँ पे रख लेना है। तो आप देखिएगा, अब फिर उसके बाद क्या किया है, इसका दुगुना किया है, तो अब आप इसका दुगुना करेंगे 36 दुना 72, अब इसका गुना करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2 1 3 24। अब आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ऐड कैसे करते हैं देखिएगा, ये 8 हुआ, हमने 8 लिखा, अब उसके बाद 6 2 8 हुआ, अब बचा क्या 7 3 10, जो 10 होगा हम कैरी के रूप में यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ क्या होगा 4 2 6 होगा, अब फिर यहाँ देखेंगे 6 1 7 2 9 3 1 4, जो 49 होगा हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे,
और फिर उसके बाद क्या होगा, 9 9 18 4 2 6 7, अभी यहाँ क्या 7 77 86 88, किसका घन हुआ, 92 का घन हुआ। अब मेरे प्यारे मित्रों, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप इन चीजों को सरलता पूर्वक समझ गए होंगे, और आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। आप अपने आप से क्वेश्चन लीजिएगा, 84 का घन, 85 का घन, 95 का घन या 88 का घन, आप ऐसी कई संख्या लेंगे अर्थात जो 100 से कम है उनका घन आप कैसे निकालेंगे। आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो, दो संख्याओं का अर्थात जो 100 से कम हो उनका घन आप इस तरीके से निकाल लेंगे। जब आप 2-3 नंबर पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये चीजें आपके लिए आसान होगा। आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे कि 84 का घन निकालना है, 1 क्यूब 8 8 64 64 64 8 512, और फिर 6 6 6 36 6 216। आप करेंगे फिर ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर ए, इतना करेंगे इसका दुगना करेंगे तो इसका इतना आ गया। आप तुरंत अपने माइंड में कैलकुलेशन करके इस चीज का घन निकाल लेते हैं, तो हम आपके लिए धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे हैं। अब आप ये चीज सीख गए हैं कि अगर 100 से कम है तब हम उसका घन कैसे निकालेंगे। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, इतना तो हमारा रहा क्या, 100 से कम संख्याओं का घन हम कैसे निकालते हैं। हमने आपको 4 डिवाइड में इसलिए भाग दे दिया कि अगर पहला अंक 1 है तो उसको आप सरलता से निकाल लीजिए, दूसरा अंक 1 है तो आप उसको सरलता से निकाल लीजिए, अगर आपको दो अंक समान मिल जाए 22 22 3 3 4 4 5 5 तो उसका घन आप तोड़ के निकाल लीजिए। कोई भी नंबर दे दे आपको, ये तीनों चीज अगर आप भूल जाते हैं तो कोई भी नंबर दो, जो दो संख्याओं का हो अर्थात 100 से कम हो, तो उनका घन आप इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर जैसे 100 के ऊपर कोई संख्या आ जाए, जैसे दे दिया 9 9 9 का घन कैसे निकालेंगे, या दे दिया 324 का घन कैसे निकालेंगे, 512 का घन कैसे निकालेंगे, अभी 636 का घन कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या दे दे तो उसका घन कैसे निकालेंगे। कल आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि मैं आपको घनमूल भी निकालना सिखाऊंगा, वो नए ट्रिक के साथ, जो आप किसी भी संख्याओं का देख के तुरंत बता देंगे कि ये 6 का घनमूल है, ये 551 का घनमूल है, ये 81 का घन है, कोई भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी भी संख्या दे देगा, आप 1 सेकंड में उसका आप क्या निकाल देंगे, घन। तो इसके साथ सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन आप दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।